नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का 29वां मुकाबला खेला जाना है सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई के मैदान पर शाम के 7:30 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, साथ ही मैच में ग्राउंड रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट हम आपको देंगे, साथ ही हेड टू हेड में कौन सी टीम है आगे और इस साल दोनों टीमों के बीच जब मैच हुआ तो कौन सी टीम ने बाजी मारी थी। इसके अलावा हम आपको बताने वाले कि कौन से वो खिलाड़ी है जो इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, यानी कि तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें और साथ ही आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम शानदार तरीके से प्रदर्शन करे तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल 2020 में अब तक 7 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें 3 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस समय इस टीम के 6 अंक हैं। तो अब यह मुकाबला सनराइज हैदराबाद को जीतना काफ़ी ज़रूरी है अगर प्ले ऑफ की उम्मीदें बचाए रखनी है तो, क्योंकि अगर ये मुकाबला हारती है तो फिर इनके लिए बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम इस टीम को 5 मुकाबले जीतने होंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस टीम के लिए भी। तो यहाँ पर इन्हें यह मुकाबला हर हाल में जीतना है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनकी मुश्किलें वैसे ही काफ़ी मुश्किल हो चुकी है अब, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक पहले हाफ के 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और इस टीम के पास अभी सिर्फ 4 पॉइंट ही है। अब बचे हुए 7 मुकाबलों में से इस टीम को 12 अंक अर्जित करने हैं, यानी कि 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे तभी टीम प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से अब 6 मुकाबले जीतने हैं, लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं जीत पाती है चेन्नई सुपर किंग्स तो फिर इन्हें बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब हर एक मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला है अगर उन्हें प्ले ऑफ में पहुँचना है तो हर मुकाबला जीतना है। वहीं पर इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद एक बार आमने सामने हो चुकी है। तब सनराइज हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रनों से मात दी थी। सनराइज हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और 157 रन ही बना सकी 5 विकेट के नुकसान पर और यह मुकाबला 7 रन से हार गई। लेकिन तब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस मुकाबले को जीतने का मौका था, लेकिन युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग की शानदार बल्लेबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को यह मुकाबले में जीत से दूर कर दिया। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच एक बार फिर हमें बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा और इस बार दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए कड़ा प्रयास करेगी, लेकिन यहाँ पर जो टीम जीतेगी उसकी प्ले ऑफ में पहुँचने की उम्मीदें बरकरार रहेगी और उनके ज़्यादा चांस बन जाएंगे प्ले ऑफ में पहुँचने के। वहीं पर इस मुकाबले के लिए बात करें कि दोनों टीमों के कौन से खिलाड़ी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी उम्मीद है उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ बल्लेबाजी में रहने वाली है शेन वॉटसन और पेप डु प्लेसिस के ऊपर। इन खिलाड़ियों से यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। अगर इनका बल्ला नहीं चला तो फिर यहाँ पर टीम के लिए मैच जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अंबाती रायडू इतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए, हालांकि तेज़ बल्लेबाजी नहीं कर पाए, वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। साथ ही साथ हम बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर सैम करन, डीजे ब्रावो और रविंद्र जडेजा से काफ़ी बड़ी उम्मीदें रहेगी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करने की। और साथ ही हम बात करें यहाँ पर युवा नारायण जगदीशन को जो मौका दिया था वो अपने मौके को एक बार फिर यहाँ पर बुना सकते हैं। गेंदबाजी में यहाँ पर इस टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है, जिसमें सरदौल ठाकुर मौजूद है और दीपक चहर से यहाँ पर टीम को काफ़ी उम्मीद रहेगी इस मुकाबले में और इन सभी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से ही टीम यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। वहीं पर अब सनराइज हैदराबाद की बात करें तो सनराइज हैदराबाद की बल्लेबाजी यहाँ पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगी डेविड वॉर्नर और जॉनी बेरिस्टो पर। दोनों इस टीम के लिए काफ़ी शानदार ओपनिंग शुरुआत देते हैं, अगर ये बेहतरीन शुरुआत देने में कामयाब होते हैं तो ही टीम यहाँ पर बड़ा स्कोर बना सकती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इस टीम के पास बेहतरीन 2 खिलाड़ी मौजूद है जिनमें मनीष पांडे और केन विलियमसन शामिल है, लेकिन टीम यहाँ पर ज़्यादातर ओपनर बल्लेबाजों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। पिछले मुकाबले में दोनों ओपनरों में से सिर्फ एक ही ओपनर चल पाया था जिसके चलते टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई थी और आखिर में यहाँ टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर इसके अलावा गेंदबाजी में राशिद खान के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, भुवनेश्वर के चोटिल होने के बाद यही सबसे बेस्ट गेंदबाज बचे हैं। इसके अलावा टी नटराजन और संदीप शर्मा, खलील अहमद से उम्मीदें रहेगी।
वहीं पर अब हम दोनों टीमों की बात करें ताकत और कमजोरी की, तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत यहाँ पर देखने को मिली नहीं रही है। गेंदबाज शुरुआती ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते तो आखिर में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, जबकि डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो पावर प्ले में ज़्यादा रन दे देते हैं, और साथ ही बल्लेबाज उतनी अच्छी फॉर्म में दिखे ही नहीं है इस आईपीएल में। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहाँ पर समस्या ही समस्या है, जिसके चलते लगातार मुकाबले आ रहे हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की इस बार कोई ताकत नहीं दिख रही, जबकि कमजोरियाँ ही कमजोरियाँ हैं। वहीं पर सनराइज हैदराबाद की ताकत की बात करें तो इनकी ताकत थी गेंदबाजी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने के बाद जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के सामने ये मुकाबला हारी, उससे लगता है कि इनकी गेंदबाजी में सिर्फ एक ही गेंदबाज बेहतर गेंदबाजी कर रहा, वो है राशिद खान, और उन्हीं के दम पर यहाँ पर मुकाबला जीतना होगा इन्हें। लेकिन राशिद खान की गेंदबाजी भी यहाँ पर इन्हें मुकाबला नहीं जीता पाई थी। लेकिन बल्लेबाजी में भी इस टीम के काफ़ी डिपेंड रहती है डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो पर, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस टीम के पास ज़्यादा ताकत बल्लेबाजी में भी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में भी नहीं है, लेकिन मिडल यहाँ पर ये टीम है इस समय। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स से यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी फिलहाल तो दोनों बेहतर नज़र आ रही है, हालांकि मुकाबले में क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सनराइज हैदराबाद यहाँ पर मजबूत लग रही है इस समय। वहीं पर अब हम दुबई के इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के पिच रहने वाली है, तो पिच यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए मददगार रहने वाली है। यानी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना इस पिच पर आसान रहेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के 7 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन 7 ही बार इन्होंने पहले गेंदबाजी की है। यानी कि जिस मैच में टॉस जीता उसमें भी गेंदबाजी की, और जिस मैच में टॉस हारा उसमें भी इन्हें गेंदबाजी ही करनी पड़ी। यानी कि अब तक चेन्नई सुपर किंग्स 7 मुकाबलों के बाद एक भी बार पहले बल्लेबाजी नहीं की, साथ ही यहाँ पर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी। वहीं पर सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों टीमें 13 बार आमने सामने हुई है, जिसमें 9 बार चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली तो 4 बार सनराइज हैदराबाद को जीत मिली है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा सनराइज हैदराबाद के ऊपर भारी है। लेकिन वहीं पर बात करें इस आईपीएल की, यानी कि 2020 आईपीएल की, तो यहाँ पर एक मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने बाजी मारी है। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की, तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपन करने वाले हैं जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर, दोनों इस टीम के सबसे अहम बल्लेबाज हैं, और इनकी बल्लेबाजी चल गई तो फिर टीम यहां पर आसानी से बड़ा स्कोर बना सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर उतरेंगे मनीष पांडे, मनीष पांडे का प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार है, पिछले मुकाबले में इन्होंने शानदार 54 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद उतरेंगे नंबर 4 पर केन विलियमसन, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन, आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, कई बार इन्होंने बेहतरीन टीम के लिए प्रदर्शन किया है। वहीं पर नंबर 5 पर उतरेंगे युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने आईपीएल इतिहास का पहला अर्धशतक लगाया था। वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर उतरने वाले हैं अभिषेक शर्मा, तो वहीं पर नंबर 7 पर एक बार फिर विजय शंकर को मौका दे सकती टीम, अगर उन्हें नहीं मिलते तो फिर अब्दुल समाद खेलेंगे। इसके बाद गेंदबाजी में राशिद खान, संदीप शर्मा, खलील अहमद और टी नटराजन उतरने वाले हैं, यानी कि काफ़ी मजबूत लग रही है सनराइज हैदराबाद की टीम इस समय, और इस मुकाबले में ये सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो भी टीम को जीत भी मिल सकती है। वहीं पर अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं शेन वॉटसन और फेफ डू प्लेसिस, ये टीम काफ़ी कुछ हद तक इनकी बल्लेबाजी के ऊपर निर्भर करती है, अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर टीम जीत मिल जाती है टीम को, वरना मुश्किलें यहाँ पर टीम के लिए बनी रहती है। वहीं पर नंबर 3 पर उतरेंगे अंबाती रायडू, जिनका प्रदर्शन उतना भी अच्छा नहीं रहा सिवाय पहले मुकाबले के। इसके बाद नंबर 4 पर यहाँ पर उतरने वाले हैं नारायण जगदीशन, जिन्होंने पहले मुकाबले में कुछ अच्छी पारी खेली थी, तो उम्मीद है इनकी फॉर्म बरकरार रहेगी। वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर उतरेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इस आईपीएल में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखी, लेकिन कभी भी ये पलटवार कर सकते हैं, अगर ये फॉर्म में लौटते तो फिर टीम की जीत तय है। इसके बाद नंबर 6 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा, जो कि इस आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं। वहीं पर नंबर 7 पर सैम करन और डीजे ब्राव में से कोई एक उतरेगा इस मुकाबले में, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक की जगह पर तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड को मौका दिया जा सकता है। वहीं पर इसके बाद गेंदबाजी में दीपक चहर, सरदोल ठाकुर और कर्ण शर्मा को यहां पर मौका दिया जा सकता है, तो इन सभी की शानदार टीम यहां पर बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स भी, अगर ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो ये टीम भी मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी, सनराइज हैदराबाद या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।